नमस्ते भारत, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं आंखों देखी। अगर हमारे देश की कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है भ्रष्टाचार। अगर हमारे देश के जड़ को कोई कमजोर कर रहा है तो वो है भ्रष्टाचार। और बात अगर बिहार जैसे पिछड़े राज्य की जाए तो यहाँ भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। आप अमूमन अखबार में न्यूज के द्वारा इस तरह की खबर देखते होंगे कि कई जगह कई योजनाएं हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हर कदम कदम पे आपको भ्रष्टाचार से सामना करना पड़ता है। कई बार ये पर्दाफाश होता है और कई बार पर्दा के पीछे रह जाता है। तो इस मुहिम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म या कम करने की कोशिश करते हुए एक पूरी टीम है एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे टीम की एक मजबूत स्तंभ है। इनका परिचय इनसे खुद पूछते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस विजन के साथ एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और विजन बताएं। आंखों देखी न्यूज चैनल के सारे दर्शकों को मेरा अभिनंदन, सादर प्रणाम, जय हिंद। मैं सत्यानंद कुमार, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं और पूरी हमारी टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस विजन के साथ काम कर रही है, वो विजन मात्र भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शोषण उत्पीड़न, जो संविधान के हर एक उस पहलू को हम लोग टच कर रहे हैं जो कि संविधान में जो कानून बनाया गया है उससे कहीं भी छेड़छाड़ होता है, तो हमारी टीम उसमें पूरी तरह से एक्टिव रहती है। कैसे एक्टिव होते हैं सर? हम लोग मीडिया विंग, लीगल सेल, लीगल विंग हमारे पास हैं, वैसे वैसे एक्सपर्ट को हम अपने पास रखे हुए हैं, हम हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो कि हर एक कड़ी पे हम लोगों को सजेस्ट करते हैं और उस सजेशन के हिसाब से ही हम लोग आगे लीड करते हैं किसी भी केस। एक आम इंसान की पहुंच आप तक कैसे हो पाएगी? एक आम इंसान की पहुंच हमारे तक आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे लोग जुड़ रहे हैं और हम लोगों ने जो निर्धारित किया है वार्ड स्तर पर अपनी टीम को मजबूती देने के लिए, हर वार्ड में मिनिमम 11 लोगों की एक मजबूत टीम बनाना। उस टीम में हमारे मीडिया के भी बंधु रहेंगे और लीगल के जानकार व्यक्ति भी रहेंगे और एजुकेशन को प्रमोट करने वाले व्यक्ति भी रहेंगे, सोशल को प्रमोट करने वाले भी व्यक्ति होंगे। यानी हर स्तर से पूरे भारत को नव निर्माण की ओर लेकर के जाना है। चुनौती किस तरह का सामने आता? चुनौती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चुनौती इसीलिए है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो जितना भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को अफीम से भी ज़्यादा खरा नशा रिश्वत का लग चुका है, इसीलिए इसको पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत बड़ी चुनौती है और काफ़ी हद तक इस पर हम लोग अपना टीम के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। इस काम में खतरा भी है महाशय? बिल्कुल बिल्कुल, खतरा है, लेकिन इसमें इस खतरा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उस खतरा से अपने आप को बचाते हुए शासन प्रशासन से मिल करके इस भयंकर बीमारी पे हम लोगों को पकड़ बना करके और ख़त्म करने की उम्मीद रखे हुए हैं। अब इसमिल की एक पंक्ति है कि हम भी आराम कर सकते थे घर पे रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सह कर, वक्त रुख्सत न आया इतना कहकर आंखों से आंसू छलक पड़े जो बहकर। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपने देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ युवाओं की एक बहुत बड़ी टोली है जैसा हम देख पाते हैं, तो यूथ को लेकर भी कोई आपके साथ सेल है कुछ इस तरह का? जी बिल्कुल, मेरे पास 11 सेल SCIB में है, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में 11 सेल बनाया गया है जिसमें यूथ को लेकर के, यूथ के पास आज के डेट में सबसे बड़ी जो वजह है हमारे साथ यूथ जुड़ने का कारण क्या है, आज के डेट में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और बेरोजगारी के साथ साथ अगर किसी का शोषण होता है तो इसीलिए यूथ का झुकाव मेरे तरफ है क्योंकि यूथ भी चाहते हैं नव भारत निर्माण के लेकर। अगर आपकी टीम में ही भ्रष्टाचार की एंट्री हो गई उसके लिए कोई लोकपाल या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल है, हमारे टीम में अगर इस तरह का कहीं से अगर कोई कंप्लेन मिलता है तो एक कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी में इस बात को संज्ञान में लाया जाता है और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन लोगों को टर्मिनेशन दिया जाता है। जैसा कि हम आपके कार्ड और आपके बोर्ड फ्लैक्स इस पर हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर, वीमेन मतलब महिला उत्पीड़न, इस तरह की कई सारे चीज़ें हैं जिसको उस पर अंकित किया गया है, तो इस क्षेत्र में आप कितना सफल मानते हैं खुद को? सफल तो हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सफल नहीं है, एक बेहतर शुरुआत है, अब बेहतर शुरुआत ही सफलता की ओर ले जा सकती है। तो अभी एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को गया की धरती से शुरुआत हुए हुए हमारे सर 6 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, 6 स्टेट में एक बहुत ही बढ़िया टीम जो SCIB की है काम कर रही है।
तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि शुरुआत काफी बेहतर है, लोगों का समर्पण, टीम का समर्पण, समर्पण के भावना को लेकर ये लोग आगे कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम करने का, खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। वो सरकारी अफसर हो या फिर कोई आम इंसान हो, कोई राजनेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, चेहरा बदलेगा, चेहरे के कई रंग होंगे, लेकिन अगर उस पर छीटा भ्रष्टाचार का होगा तो ACIB वहाँ पे जरूर होगा, इसकी टीम के कोई ना कोई सदस्य वहाँ पे जरूर होंगे। और भी अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद की।